ओके सो हाय गाइस, वस्सलाम अलैकुम, बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो भी मैं स्टॉक वगैरह यूज करूंगा सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड जो ये वाली एडिटिंग है बहुत ही ज्यादा मतलब ईजी होने वाली है, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो, ठीक है? क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसमें गाइस आप इजीली तरीके से आप एडिट कर पाओगे, ठीक है? तो आप लोग जो वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। दैन उसके बाद आप लोगों को करना है कि आप लोगों को जाना सिंपली ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आप सभी को ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। तो यहाँ से मॉडल को ऐड कर लेते हैं हम। एंड जब मॉडल को आप ऐड करोगे यहाँ पे, तो आप लोग जो बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ रिमूव करके रखना पहले से ही, ठीक है? तो अभी जो हम मॉडल को कुछ स्टेप्स यहाँ पे रखेंगे। एंड हाइट जो है ज़्यादा बड़ा मत रखना एंड ज़्यादा छोटा मत रखना, मीडियम साइज़ में रखना जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद आपको ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि आपको इरेज कहाँ कहाँ से करना है। फिर उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, हार्डनेस को फुल कर देना है एंड फोटो को जूम करना है। एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा पहले मैं उनको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ताकि जो है मतलब कि जो जो चीज़ें मेरे को जहाँ तक चाहिए होगा मैं उसको मैं यहाँ से फील कर पाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है? अब देखिए, ब्रश में जाएंगे, ब्रश में जाने के बाद जो है हम यहाँ से जो है इसको फिल कर देंगे। अब ये गाइस, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्या है कि ज़्यादा ईजी होता है मतलब कि ये रिमूव करना और पेंट करना, तो इससे ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर आपको ये ट्रिक भी ठीक लगे तो गाइस आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई और ट्रिक है आपके पास तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी आपको रिमूव करना है उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे फोटो को जो है आप लोगों को यहाँ पे इसके बाद इतना हो जाने के बाद हैंड का जो रह रहा है मेरा, अभी हैंड का भी कर लेता हूँ पहले मैं, फिर बताता हूँ आपको आगे का स्टेप, ठीक है? तो यहाँ पे तक हो चुका है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो है हम वहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे। यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करेंगे हम एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, ठीक है? ये वाला। एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे इसका। एंड यहाँ से चलेंगे हम मूव डाउन कर देंगे पहले से, फिर इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद साइज अपने अकॉर्डिंग रखेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे। एंड यहाँ पे जो है हम शेडो क्रिएट करेंगे। तो अगर जहाँ तक हो चुका है हमारा, शेडो भी बन चुके हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब जो है हम फोटो को यहाँ पे से फाइनली डन कर सकते हैं, ठीक है? और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी गाइस, फेस स्मूथिंग एंड आप लोग थोड़ा हेयर्स वगैरह भी सेट कर सकते हो, बट वो मैं आपको यहाँ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं एकदम कंप्लीट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। बाकी अब इसको लेकर चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद पहले हम इसकी जो है लाइट को करेक्ट करेंगे। लाइट को करेक्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट्स को कम कर देंगे थोड़ा सा, एंड जो शेडो है इसको बढ़ा देंगे, एंड जो यहाँ पे ब्लैक्स है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, व्हाइट्स को जो है कम कर देंगे। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड जाएंगे मिक्स में, मिक्स में जाने के बाद पहले लेंगे ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर लेने के बाद पहले ल्यूमिनस बढ़ाएंगे, एंड उसके बाद लेंगे फिर यहाँ पे येलो कलर। येलो कलर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसका ह्यू कम कर देंगे, ठीक है? क्योंकि जो हमारा टाइगर हो थोड़ा ब्राउन दिखना चाहिए। एंड लेंगे डार्क ब्लू एंड इसका सैचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे, फिर कर देंगे डन। एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में, और इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद पहले क्या करेंगे, हमारे फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे, ठीक है? एंड उसके बाद विग्नेट डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, एंड नीचे फीडर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? तो उसके बाद आप सभी को चले जाना नीचे वाले टूल में, यहाँ पे फोटो के शार्पनेस बढ़ा देना है। एंड यहाँ पे फाइनली हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चले मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।